हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज दिन की शुरुआत हुई मम्मी पापा और मयंक के साथ, क्योंकि आज सुबह सुबह ही वो लोग आए हैं। मैंने आशीर्वाद लिया और फिर हम लोग चले गए खाना खाने के लिए। गाइस, आज का खाना बहुत ही बेकार बना था, जो कि था पूड़ी और छोला। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ओके, सो टुडे इज डे 5 ऑफ दिस पूजा एंड आज का बहुत ही नहीं है। तो एक मिनट प्लीज, इसके बाद दो ही ना बचा हुआ है, छह है। ओके सॉरी गाइस, सो दिस इज डे 6 ऑफ दिस पूजा और आज के पूजा में बहुत ही खास है, क्योंकि आज होने वाला है रुक्मणी और कृष्ण विवाह। हम लोग वाला खराब है, उन लोग वाला ही ले आना, हम लोग वाला नहीं होगा। सुनो भी, आप पी लिए क्या? पिए पूछो, क्या पिए? पूजा वाला दूध में रखा हुआ है। हाँ भैया, कहीं कुछ और ना कोई समझ ले देखकर। ओके गाइस, सो मैं बोल रही थी कि आज है क्या उसको बोलते हैं, राम, देखो हम लोग का इतना ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है अभी, ठीक है? काला का रखी, लाइट की वजह से हो रहा है। सो आज होने वाला है रुक्मिणी और कृष्ण विवाह। तो लाइक हम लोग ना कुछ ज्यादा ही है, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत इंजॉयमेंट और प्राउड भी फील होता है कि लाइक वी डू एवरीथिंग विद अ ग्रैंड थिंग, सब कुछ ग्रैंड ही होता है। तो आज जो मतलब ये पूजा का मैं ये बोलूंगी कि जितना जैसा हो रहा है ना, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था, मतलब 1% भी नहीं, बिल्कुल सिंपल पूजा की तरह। डे 1 से जो कुछ भी होते चला जा रहा है बिना प्लान का, सच में चाह रहे हैं, विष्णु भगवान चाह रहे हैं ये हो ये हो ये हो, बस सामने ये बात आ रहा है, ठीक है चलो कर दो। हाँ सच में, और कोई सोच भी नहीं रहा है कि क्या यार, मतलब हमारा जो स्पेशली बजट है वो सब का क्या हालत हो गया। बट कोई बात नहीं, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग सारी चीजों को अच्छे से कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी इस चीज का फायदा, मतलब उनको भी हो रहा है। ओके, सो मैं ये बता रही थी ना कि आज हम लोग, मतलब उस लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जन्मोत्सव में कृष्ण भगवान छोटे बालक थे, आज थोड़े बड़े हो गए हैं और उनकी विवाह होगी। तो प्रॉपर हम लोग ऐसा, मेरे को पता नहीं था, ज्वालिदी बोली कि ऐसा घिडारी वगैरह भी होगा, गाल सिकाई होगा और हम लोग बारात भी जाने वाले हैं गाइस भगवान का, तो ये सब कुछ होने वाला है। बट उससे तुम लड़का के साइड से हो या लड़की के साइड से? हम तो लड़का के साइड से हैं, हम कृष्ण भगवान। ओके, ये और उससे पहले कि हम लोग कुछ ये था कि थोड़ा खा पी करना, हम लोग तैयार व्यार होंगे अच्छे से, बिल्कुल शादी के जैसा। बट अभी कैन यू गेस कि हम लोग क्या कर रहे हैं ज्वालिदी? क्या हो रहा है ज्वालिदी? आज तुम्हारा प्लान था ज्वालिदी, माँ को पता है कि आज का बिल हम पे फटेगा, आज का नारियल तुम्हारे सर पे, सच में। आज का रॉली का प्लान था कि आज छोला और कचौरी बनेगा, लेकिन इतना खराब बना है, बिना प्याज लहसुन का। हम लोग के घर में भी एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन बन रहा है, यहाँ तक कि नॉर्मल नमक भी नहीं, छेंधा नमक में खाना बन रहा है। और रॉली का था कि आज छोला बनना चाहिए, लेकिन छोला अच्छा नहीं बना है। तो अभी हम लोग ने भार लिया है कि हम लोग इसका ग्रेवी बनाने वाले हैं एंड जो बाकी का फिर जो है ना मिक्स हो गया, मतलब कि हम लोग तो खा चुके हैं 3-4 लोग, बट जो आगे खाने वाले हैं उन लोगों को अच्छा मिले खाना। हम लोग भी श्योर नहीं है कि अच्छा बनेगा, लेकिन ट्राई कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग कि हम लोग थोड़ा अच्छा बनाए। तो अभी हम लोग ऊपर आ गए क्योंकि बाकी जगह ना जो नेक्स्ट टाइम का खाना है वो उसका प्रिपरेशन हो रहा है, तो वी थॉट कि चलो हम लोग ऊपर जाकर सारी चीजें कर लेते हैं, मिस्त्री भैया का हेल्प। हाँ सही बात है, तो अभी हम ही लोग खाना बना रहे हैं बाकी सभी लोगों के लिए और उसके बाद देखते हैं टाइम मिलता है। टाइम क्या तैयार, आज क्या पहनोगे ज्वालिदी? तुम साड़ी कौन सा? वैसे हम ऐसे पूछे जैसा लगता तुम बोलोगे और हमको समझ जाएंगे। अच्छा ज्वालिदी, वो साड़ी तुम क्या पहनोगे? सो बैड, हम घाट चोला देखते हैं, ग्रीन वाला। तो मैंने बहुत मुश्किल से ये साड़ी का नाम याद किया, कोई भी पूछता है क्या पहनोगे, मैं ये कहते हैं घाट चोला। तो ये है, पहले अब हम लोग ये खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। ओके गाइस, हमारा किस्मत इतना खराब है कि एक तो हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और लाइट आ नहीं रहा है, तो अभी पीसना वगैरह भी है, तो मैं यहाँ पे पीस रही हूँ सिलवट्टे पे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। अभी इतना बचा हुआ है, वो तो समय था इसीलिए अदरक पीस गया, और यहाँ भैया भी कर रहे हैं,
अरे भैया कितना साइकिल चलाइएगा पूरा साइकिल चला रहे। तो ये रहा, इसमें पीस कर आ रहा है भैया, एक भर गया। और ये गाइज आफ्टर 1 आवर हमारा यहाँ पे ग्रेवी अच्छे से भूनकर रेडी हो गया है। फिर इसको जो नॉर्मल बचा हुआ छोला था ना उसमें मिला दिया है, एंड खाने में एटलीस्ट टेस्ट तो पहले जैसे एनहेंस हो गया था। ओके गाइज, तो नहीं कोई भी ऐसे ही, अभी बाल पीछे करने के लिए मेकअप करेंगे ना इसलिए। ओके गाइज, तो आज तो सच में कुछ ज़्यादा ही हम लोग थक गए हैं, तो सारा खाना पीना सबका हो गया है एंड अब टाइम है थोड़ा रेडी होने का। तो सबसे पहले हम लोग रेडी करेंगे अपनी राधा को। मैं दिखाती हूँ हमारी आज की जो राधा है, रानी, सॉरी रुक्मणी बोलेंगे ना मम्मी, रुक्मणी रानी कौन है। ओके, तो ये रही, नमस्ते राधा रानी। तुमको कैसा लग रहा है, तुम बनोगे आज रुक्मणी जी? बहुत अच्छा। रुक्मणी जी का दांत भी टूट गया है तो ये अपना पहन लिया, अभी आज हमको इसका मेकअप कर रहा है। आज का जो मेन चैलेंज है वो गुड्डन के लिए, क्योंकि गुड्डन दोनों कान्हा को तैयार करोगी ना दोनों कान्हा को गुड्डन को तैयार करना है लेकिन क्या? लेकिन हम रौली दी के भरोसे छोड़ रहे हैं। नहीं, मेरे भरोसे नहीं छोड़ो, तुम कर लोगी। और आज के जो हमारे कृष्ण जी है वो है जी, इधर आओ बेटा, बैठो, जोड़ी दिखाओ अपना। तो आज की जो हमारी कृष्णा बनेंगी वो है ये। तो ये रही हमारी कृष्णा और रुक्मणी जी। रुक्मणी जी को तैयार करने के बाद हम लोग कान्हा को, जो कि जिया बनी थी, उसको रेडी कर रहे थे। एंड आप बैकग्राउंड में ना बैंड बाजा सुन रहे होगे, मतलब इतना हम लोग लेट हो गए थे कि वो आ चुका है, बट यहाँ पे हम पहले हमें कान्हा जी और रुक्मणी जी को रेडी करना था। फाइनली द रिवील ऑफ कान्हा जी। राधे राधे, भाई तो पूरा एक्टिंग में है। और गाइज यहाँ पे हम लोग सब लोग रेडी हो गए, एंड कसम से मैं बोलूँ बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था ना कि हम लोग के घर के खुद की शादी है। मतलब मेरे भी घर शादी में बिल्कुल ऐसा ही माहौल था, बिल्कुल जल्दी जल्दी रेडी होना है। एंड यहाँ पे बैंड बाजा सब लोग आ चुके थे। सिंह परिवार की जय, जयधारी बाबा की जय। नमः पार्श्वो अरिष्टने मिहि स्वस्तिनो ब्रह्मणि की जय। एंड गाइज ये है आज का मम्मी और चाची का लुक, मतलब सभी लोग बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये रही भाभी और ये रही गुड्डन। इसका भाई लुक तो हमेशा सिंपल एंड क्लासी रहता है। एंड ये रही मेरी प्यारी मम्मी। और अब हम सब जा रहे हैं मंदिर, और इस सिंहासन पे बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल, जिनको दादा पापा अपने सर पर उठाकर लेकर जाएंगे बिल्कुल बराती के जैसा। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइज, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था।
ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेश्वराय नमः श्री महामृत्युंजयाय नमः ओम भूर्भुवस्वः हर हर महादेवाय नमः आनंदमानंदवने वसंता आनंदगंध मृगपापवृंद वाराणसीनाथ मनातनाथ श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथ वीडियो को आज वाले व्लॉग को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाली क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड अभी आप सुन सकते हो कि मैं अभी जस्ट एडिटिंग कर रही थी एंड आरती वगैरह शुरू हो गया तो अभी वैसे भी कुछ भी वॉइस ओवर या फिर ये करने का नहीं मिलेगा तो अभी जितना हुआ मैं उतना डालू दिस इज द पार्ट वन ऑफ दिस डे जल्द ही मोस्ट प्रोबेबली आज तुरंत ही या फिर कल इसका सेकेंड पार्ट आ जाएगा तो प्लीज़ आप जरूर देखना बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया एंड आई होप सो कि आपको ये फर्स्ट पार्ट भी अच्छा लगा होगा एंड थोड़ा सा और वेट कर लेना पार्ट टू के लिए आप लोग तो मिलते हो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में ठीक है तब तक के लिए बाय राधे राधे।